हाथों खुद अपना वो आशियां लुटा बैठे। अभिमान अभिमान अभिमान। परेशान तो मैंने आपको किया है डॉक्टर, लेकिन समझ में नहीं आता ये शरारत किसने की और क्यों की। एनीवे आई एम सॉरी फॉर दैट। प्लीज डोंट फील सॉरी फॉर विच यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। पर ताज्जुब है मिस्टर मुखर्जी, एक हॉक्स कॉल सुनकर आप अचानक दौड़े चले आए, आपको बेकार ही इतनी परेशानी हुई। डॉक्टर फोन मैंने करवाया था। आपने करवाया था? हाँ डॉक्टर, मुझे लगा ये शायद उस पेशेंट को जानते हो, लेकिन अब इनका आना बेकार हो गया। क्या? मैं किसी पेशेंट को जानता हूं? मैं कुछ समझा नहीं। एक अनजाना पेशेंट पिछले 7 दिन से हमारे यहां एडमिट था, लेकिन आज सुबह अचानक ही भाग गया। डॉक्टर कौन था वो? यहां कैसे एडमिट हुआ? पेशेंट का नाम दर्ज कराने वाली वो खड़ी है। पहले नाम पता परिचय मालूम नहीं था, लेकिन आज सुबह मालूम हो गया है। उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड्स में दर्ज है। मतलब? He is a dangerous man, शहर का मानव क्रिमिनल है। पहले ये उसे देखने आती रही, आज आपको बुलाया है। समझ में नहीं आता क्या मिस्ट्री है। गंगा उसे देखने आती थी, फिर मुझे भी बुलवाया। कहीं वो हमारा बेटा पापी तो नहीं? मेरा बेटा क्रिमिनल नहीं? ओह गॉड। क्यों मिस गंगा राय, आज घर चलने का इरादा नहीं है क्या? तुलु मुझे पहचानती हो बेटी? क्यों नहीं, आपका परिचय तो मुझे विजिटिंग कार्ड से ही मिल गया था। मिस्टर एस मुखर्जी, किसी टेक्सटाइल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है ना? तुलु, मेरे बचपन का नाम अभी तक याद है आपको? स्ट्रेंज, तुम मुझे यहाँ से भगा देना चाहते हो। तीनू ठीक ही कहता था, तुझे उस घर में नहीं रहने दिया जाएगा। अच्छी बात है, मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी, फिर इस घर में कभी नहीं आऊंगी। इतनी बार कहा, पाव पड़ी, फिर भी मुझे इस घर में नहीं रहने दिया जा रहा। मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी, फिर इस घर में कभी नहीं आऊंगी। बेटी याद है? बेटी बिल्कुल याद है तुम्हारा नाम, और भी बहुत कुछ याद है मुझे, बहुत कुछ। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। कहो बेटी। अभी मैंने आपसे बहुत खराब ढंग से बात की, उसके लिए मैं माफी मांगती हूं। मुझे माफ कर देंगे ना? माफी किस बात के लिए मांगती हो बेटी? तुम्हें तो और भी ज्यादा खराब ढंग से बात करने का हक है। हो सके तो तुम ही मुझे अपने ही गुलिस्ता से, अपनी ही बेवफाई बिखरा
चमन खिजां सा है, पंखुड़ी मुरझाए हुई जान की फिर ये दुश्मन अपनी ही क्यों जा। अरे एक नहीं, इस शहर के सारे थाने दिखाया हूं मैं, लेकिन रवि गुरु एक में भी नहीं है। और वो मुच्छल इंस्पेक्टर है ना, वो बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए बोला, अबे हमें मरना है उसे अरेस्ट करके। लालू उसने तेरे को ये कहकर बहका दिया और उधर मारकर लाकर में लाश गाड़ दी हो तब क्या कहा साले? गुरु के यार ऐसी बात कही तो पत्ती सी झाड़ दूंगा। मुझे तो इसी पे शक है, जरूर इसने कुछ किया और अब नक्शे झाड़ रहा। अबे तेरा गुरु तो खुद भगवान है, मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ उसका। बिगाड़ने की तो तूने बहुत कोशिश की थी गांजा, लेकिन ऊपर वाले ने बचा लिया। मैंने कहा था ना गांजा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आसान नहीं है बेटा। गुरु तेरे हाथ हाथ जोड़ दो, मेरे को माफ माफ कर दे गुरु। तुमने माफी वाला काम ही नहीं किया। मैं चाहता तो नहीं था कि तुझे मारकर अपने हाथ गंदे करूं, लेकिन मैंने कसम खाई है तेरा खून करके फांसी पर लटकूंगा। गुरु गुरु इस बार कर दे माफ गुरु। इसे छोड़ दे गुरु, इस बार इसे माफ कर दे गुरु। खबरदार जो कोई बीच में बोला। गुरु ये तूने क्या किया? गुरु क्या किया तूने? इसके अलावा और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। अब मैं थाने जा रहा हूं गिरफ्तार होने। नहीं गुरु ऐसा मत कर, इस लाश को हम अभी ठिकाने लगा देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, पुलिस को सबूत जरूर मिलना चाहिए। तुम लोग यहां से चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना। जाओ। आओ आओ, अरे मेरे ईद के चांद, कहां थे इतने दिन? अरे पिराज हो? अरे कुछ दिन पहले तुम्हारा एक भक्त आया था, बड़ा तड़प रहा था तुम्हारे लिए, कहने लगा कुछ दिनों से गुरु दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा कहां जाएंगे तुम्हारे गुरु, होंगे यहीं कहीं, वो तो समंदर में भी डूब जाएं तो ऊपर आ जाएंगे। अरे बैठो मेरे चांद, बैठो तो सही। क्या बात है, सब ठीक ठाक तो है ना? अरे बैठो भाई, क्या बात है, आज बड़े चमक रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी किसी का मामला खलास करके आ रहे हो। बैठो। आपने ठीक ही फरमाया इंस्पेक्टर साहब, एक बदमाश छछुंदर का सफाया करके मैं सीधा आप ही के पास आ रहा हूं। क्या? अरे मजाक तो नहीं कर रहे तुम? मजाक क्यों?
क्या मैं किसी को मार नहीं सकता क्या? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। अरे भाई, मेरा मतलब ये था कि इतना बड़ा काम करके तुम मेरे जैसे मामूली आदमी के पास क्यों चले आए? तुम्हें तो किसी अफसर, मंत्री और एमएलए के पास जाना चाहिए था। मेरी जो दरख्वास्त है उसके लिए एमएलए मंत्री नहीं चाहिए, बस आपकी दया चाहिए। मैं दया करूं? वो कैसे? आप ही मुझे अरेस्ट करके फांसी पर लटकाने का इंतजाम कर सकते हैं। अरे मैं एक अदना सा आदमी, तुम्हें फांसी पर लटकवाने का इंतजाम कैसे कर सकता हूं? अरे भैया, इतना बड़ा मजाक मत करो मुझसे। तुम खामखा फांसी पर क्यों लटकना चाहते हो? अरे जिसे मरना था वो मर गया, अब उसका पछतावा कैसा? पछता कौन रहा है इंस्पेक्टर साहब? जिसे खत्म करके आया था वो अगर जिंदा होता तो जरूर पछताता। बात दरअसल ये है कि अब जीना अच्छा नहीं लग रहा। वही एक बोरिंग सी लाइफ, कोई फिनिशिंग टच तो होना ही चाहिए ना। वो आप दे दीजिए, मुझे गिरफ्तार कीजिए। सोच क्या रहे हैं सर, मुझे हवालात में बंद कर दीजिए। दरियाव सिंह, कंकर आए, आज खाना पीना नहीं होगा क्या? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। तुलु, मैंने अपने बेटे को पाकर फिर से खो दिया। तुम्हें कैसे लगा कि बेटा मिल गया? माँ कहकर पुकारा था तुम्हें? समझ जाता तो जरूर पुकारता, उसे तो होश ही नहीं आया था। समझ तो वो एक ही मिनट में गया था। तुम्हारा चेहरा बदला थोड़े है, वो इसीलिए भाग गया कि कहीं तुम पहचान कर उसे आवाज न दे बैठो। चलो, मैं क्या करूं, क्या करूं? कहा ना, हाथ मुंह धोकर खाना खाने चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो ना, उठो। छोटी बहन को पहचान कर भी हमेशा की तरह पत्थर बना रहा। एक बार तो कह देता, तुलू तो कितने बड़े हो गए है रे। मैं मानता हूं मिस्टर मुखर्जी, उस लड़के में कुछ अच्छाइयां भी हैं, नशा वशा भी नहीं करता, यहां तक इन चीजों से कोई मतलब नहीं रखता, औरतों की भी इज्जत करता है, गरीब जरूरतमंदों इनके लिए तो एक भगवान है ये। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस,
He is an anti-social element. एक आवारा लड़का, बदमाश, जिसके ना घर का पता है, ना माँ बाप का. मेरी समझ में नहीं आता मिस्टर मुखर्जी, आप एक गुंडे को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? समझ लीजिए, इंसानियत के नाते मुझे लगता है कि एक आवारा और गुमराह लड़के को मौका दिया जाए तो शायद वो सही रास्ते पर आ जाए. कहते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट टू बी गुड. बस शर्त यही है कि हम उसे एक मौका दें अच्छा बनने के लिए. हैरत की बात तो यही है मिस्टर मुखर्जी, वो बदकिस्मत लड़का ऐसा मौका ही नहीं चाहता. वो तो बस एक ही बात कहता है, जब मैं खुद कबूल कर चुका हूं कि कत्ल मैंने किया है तो फिर गवाह और सबूत जुटाने की क्या जरूरत है. ऐसा कहता है? यही नहीं, अपने लिए उसने सजा भी खुद तजवीज कर रखी है, फांसी या उम्र कैद, इससे कम कुछ नहीं. सिंह साहब, मैं उस लड़के को बचाना चाहता हूं हर कीमत पर, चाहे उसके लिए मुझे अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ जाए, सब कुछ. स्ट्रेंज, एक लड़का अपने आप को खुद अरेस्ट करा के फांसी पर चढ़ जाने की जिद कर रहा है और आप उसे बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को उतारू हैं. मिस्टर मुखर्जी, माना कि आप एक सोशल वर्कर हैं, बट उस लड़के के लिए आपकी इस हद तक चिंता. एक्सक्यूज मी, कहीं वो आपका कोई परिचित तो नहीं? ऐसा ही समझ लीजिए. मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा. आपका कोई रिश्तेदार? जी हाँ, बहुत बहुत नजदीकी. वो मेरा बेटा है. What? बापी के केस के लिए तुमने शहर के जाने माने वकील को एंगेज किया है. मिस्टर गिरधर आई तो कोई भी केस नहीं हारे, एंड आई एम श्योर वो हमारे बापी को रिहा करा देंगे. वकील पर तो मुझे पूरा भरोसा है सुरजीत, लेकिन लेकिन बापी उससे बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा. कोऑपरेट नहीं कर रहा मतलब? वो मिस्टर गिरधर की किसी भी बात का ना तो ढंग से जवाब देता है और ना उनकी कोई सलाह मानने को तैयार है. वजह सुनकर तुम्हें बहुत अजीब लगेगा. वो इस केस में बरी होना नहीं चाहता, बल्कि फांसी की सजा पाना चाहता है. क्या? हाँ सुरजीत, कल वकील ने उसे तरह तरह से कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन पूरी बात सुनकर उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझ जैसे फालतू आदमी को जिंदा रखने के लिए इतना कुछ क्यों किया जा रहा है. ऐसा पता होता तो मैं उस मर्डर के साथ साथ अपने को भी गोली मार लेता. ओह माय गॉड, आज बापी अपने आप को फालतू आदमी समझने लगा. तकलीफ की बात है ये, शायद इसीलिए वो. हाँ शायद इसीलिए, लेकिन मैं उसे बताना चाहता हूं दोस्त कि वो फालतू आदमी नहीं है. मुझे बहुत जरूरत है उसकी, और ये भी कि जो थोड़े से दिन उसने अंधी गलियों में गुजारे हैं वही जिंदगी नहीं है, उससे आगे भी बहुत कुछ है. हमारे एक फैसले की पापी ने बहुत बड़ी प्राइस पे की है, लेकिन अब और नहीं, मैं उसे खत्म नहीं होने दूंगा.
उसे बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा उसे किसी भी कीमत पर। सौगत, आज पहली बार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत देख रहा हूं मैं। काश काश ये हिम्मत तुमने काफी पहले दिखाई होती तो। एनीवे, मेरी शुभकामनाएं, मैं तुम्हारे साथ हूं। कितनी बड़ी होगी ये रे, और कितनी सुंदर। अरे रे, ये क्या, इतनी बड़ी हो गई फिर भी रोती है। चल आंसू पहुंच। भाई तुमने ये सब क्यों किया? तो फिर और क्या करता? अस्पताल से क्यों चले आए? मालूम है मां तुम्हें देखने के लिए मर ही जा रही थी। ओ, तो तू उनकी सिफारिश लेकर आई है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं तो ऐसे ही एक बात कह रही थी। वो क्या है भाई, जब भी माँ को देखती हूँ मुझे बहुत तरस आता है। अब मेरे लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। भाई क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आती थी? लगता है तेरे पास अब कुछ कहने को नहीं है। यहाँ अकेली आई है या कोई साथ है? अकेली आने की मेरी हिम्मत? अपने साथ एक बॉडीगार्ड लाई हूँ। बॉडीगार्ड? कैसा बॉडीगार्ड है तेरा, देखना चाहिए। अभी बुलाती हूँ। ए मिस्टर, कहाँ हो तुम? चले आओ, इनसे मिलो। ये है मेरे बड़े भाई। अपने ही हाथों खुद अपना वो आशियां लुटा बैठे। अभिमान की आगोश में फिर आंख क्यों भर आई? तभी रोक लिया होता ये अंधा।